अब ये यात्रा कृष्ण जन्मभूमि से शुरू हो करके पूरे उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में हमारी सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा चलेगी और 75 जिलों में जब घूमने के बाद जब हम समापन करेंगे तो भगवान राम के जहाँ जन्मभूमि है अयोध्या वहाँ पर समापन होगा। देखिए हमने शुरू से कहा है समान विचारधारा वाली पार्टियाँ सेकुलर पार्टियाँ और मैंने ये भी कहा है कि हमारी प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी और आज भी हमारा कहना है कि समाजवादी पार्टी से हमारे अलायंस हो जाए तो अच्छा है। अलग रथ निकलने का मतलब माना जाए कि कहीं ना कहीं अब वो विचारधारा सही है नहीं जाए। तो देखिए अभी तो अलग अलग पार्टियां हैं तो अलग अलग पार्टियां अगर अलायंस भी होगा तो फिर तो वो तो अलग प्रचार अलग अलग भी होते हैं साथ साथ भी होता है। मोदी और योगी जी के कार्यकाल के बारे में क्या कहेंगे? देखिए ये दोनों सरकारें विफल रही हैं, कोई वादा पूरा नहीं किया। सबसे पहले उन्होंने वादा किया था भ्रष्टाचार 100 दिन में ख़त्म हो जाएगा, काला धन ले आएंगे, 15-15 लाख कुत्ते के घर में भेज देंगे, किसानों की आय हम दोगुनी कर देंगे, चीन से हम ज़मीन वापस ले आएंगे, फिर सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। बताइए एक भी वादा इनका पूरा नहीं हुआ है, इसलिए मैंने ये सामाजिक परिवर्तन रथ नाम दिया है। अब उत्तर प्रदेश की जनता के बीच हम जाएंगे और जाकर के जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे पूरे नहीं किए हैं, जो किसान परेशान है, गरीब परेशान है, नौजवान परेशान है, सबके सब परेशान हैं, तो इन वादों को भूख भय भ्रष्टाचार इन सभी वादों को हम पूरा करने का काम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जनता के बीच में किए जा रही है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सरकार बने और इन वादों को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी पूरा करे।